फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि इसरो के रॉकेट जब लॉन्च होते हैं तब उसमें से इतनी सारी चीज़ें गिरती क्या है, आए जानते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ें है क्या। तो बेसिकली हमें तीनों रॉकेट में देखने को मिलेगी, PSLV, GSLV मार्क टू और मार्क थ्री में। अगर आप PSLV को देखोगे तो PSLV के सेकंड स्टेज पर आपको ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगी। अगर आप GSLV मार्क टू को देखोगे तो GSLV मार्क टू के L40 बूस्टर्स पे भी आपको देखने को मिलेगा, और इसमें सेकंड स्टेज में भी, और इसमें सबसे ज़्यादा दिखेगी आपको। और GSLV मार्क थ्री के कोर स्टेज में भी लगाए गए हैं। ये क्या है? ये पॉली यूरिथिन सीट्स है। ये क्यों है? पहले तो ये रॉकेट और स्टेजेस में क्या सेम है वो हमें पहले जानना पड़ेगा। सबसे पहले विकास इंजन कॉमन है इस सब में। तो विकास इंजन किस फ्यूल में रन करता है? विकास इंजन रन करता है हाइपरबॉलिक फ्यूल्स पर। पर कौन से हाइपरबॉलिक फ्यूल्स? इसरो के केस में UDMH और N2O4। UDMH मतलब अनसिमेट्रिकल डायमेथाइल हाइड्रोसिन, और N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। N2O4 हमारा ऑक्सीडाइजर है और UDMH हमारा फ्यूल है। अगर आपको विकास इंजन के बारे में और जानना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके देख सकते हो। UDMH का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस है, और N2O4 का 21 डिग्री सेल्सियस। स्पेशली N2O4 को डायरेक्ट सनलाइट से बचाने का बहुत जरूरत है, वरना बॉयल होना स्टार्ट करेगा टैंक्स के अंदर। और इसरो का कंडीशन है कि जो हाइपरबॉलिक फ्यूल की टैंक्स होती है वो 18 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए। इसरो को आप जानते हो तो इसरो लॉन्च डेट के पहले ही रॉकेट को लाके खड़ा कर देता है, मतलब फ्यूल अप करके वो बहुत दिनों से रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करे, और ये बहुत चीप वे है। बेसिकली आप लोग इसको थर्मोकोल की तरह समझ लो, तो अच्छा इंसुलेट करेगा इसको बाहर के तापमान से। हम इसको डायरेक्ट कूल भी कर सकते हैं, पर ये इसरो नहीं करता है। अगर आप लोग इसरो के पुराने रॉकेट्स के वीडियो देखोगे तो इसरो रॉकेट के फेयरिंग्स में भी ये शीट्स लगाता था। तो अभी आप लोग इसरो के केस में देखोगे तो लॉन्च पैड से खम्बेलिकल ट्यूब आती है जो फेयरिंग के अंदर जाती है और रॉकेट्स को ठंडा भी रखती है। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो कॉर्ड्स उसको होल्ड कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं और सब गिरने लग जाते हैं अपने आप। तो ये एक कायोटिक बिहेवियर से गिरते हैं जिसमें से कुछ नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लोगों को इसका सवाल रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए। और आज का लाइक टारगेट है 5 लाइक टारगेट, और सब्सक्राइबर का 2 सब्सक्राइबर। तब तक के लिए बाय बाय।